हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक ही वीडियो में मल्टीपल एड्स को प्ले करके किस तरह से एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल पर्ल टेक्निकल्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर ये जो रेड बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं कभी भी अपनी कोई वीडियोस पोस्ट करूँगा YouTube पे तो आप मतलब सबसे पहले पहुँच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपके यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी 10 मिनट से ऊपर के बनाइए। फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप 10 मिनट से ऊपर बनाएंगे तो आपके वीडियो को रैंकिंग में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और उसका जो मेन प्रॉफिट यही है कि उस पर आप मल्टीपल एड्स को प्ले करने के लिए एनेबल हो जाते हैं। और वो उसको आप कहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप 10 मिनट से कम का वीडियो बनाते हैं तो उस पर ये ऑप्शन शो नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 मिनट से ऊपर के वीडियोज़ बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमको करना क्या है, मान लीजिए कि मेरा एक वीडियो है जिसको मैंने 10 मिनट से ऊपर बनाया हुआ था, तो वो वीडियो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वीडियो मैनेजर में जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो मैनेजर में आ गए। वीडियो मैनेजर में आके मेरा ये दूसरा वीडियो है जो कि 12 मिनट का, यानी 10 मिनट से ऊपर का है। तो हमको करना क्या है, इसको सबसे पहले इसके एडिट में जाना है। तो एडिट में जाने पर ये देखिए, और इसका जो ड्यूरेशन है 12 मिनट का है, यानी कि 10 मिनट से ऊपर का मैंने फ्रेंड्स ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हमको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जाकर देखिए, मोनेटाइजेशन पे क्लिक कीजिए और मोनेटाइजेशन पे यहाँ पर नीचे एड ब्रेक्स यहाँ पर जो दिख रहा है, तो फ्रेंड्स इस यहाँ पर हम मल्टीपल एड्स को सेट कर देंगे तो जगह जगह पर वो एड्स प्ले होंगी। और आप जानते हैं कि यूट्यूब आपको एडवर्टीजमेंट के ही पैसे देता है, तो यहाँ पर जैसे ही मल्टीपल एड्स प्ले होंगी तो उसका आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बेस्ट ट्रिक है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप इतना भी ज़्यादा एड्स यहाँ पर सेट मत कर दीजिए जगह जगह पर कि आपके जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको बुरा लगे कि हाँ भाई ये तो बार बार एड्स प्ले कर रहे हैं इसलिए मज़ा नहीं आ रही वीडियोज़ में। फिर भी आप कम से कम 4 से 5 जगह पर एड्स डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने भी वीडियो डालें किसी को, मतलब यूट्यूब वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने व्यूअर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले बिफोर वीडियो, यानी कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऐड प्ले होगी। ठीक है, फिर अभी 25 सेकंड पे बाय डिफ़ॉल्ट है, तो मैं 42 सेकंड पे यहाँ पर इनसाइड ऐड रख देता हूँ। तो एक 42 सेकंड पे ऐड प्ले होगी, फिर एक 3 मिनट पे इनसाइड ऐड रख देता हूँ। फ्रेंड्स, आप इस तरह से कितने भी एड्स रख सकते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर एड्स रख दे रहा हूँ। अभी इससे क्या होगा कि कोई भी अगर आपका वीडियो देखेगा तो इतने इतने ड्यूरेशन पे बीच बीच में एड्स प्ले होंगी और उसका आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो इस तरह से आप एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं कि रेवेन्यू कमा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये लास्ट में एक आफ्टर वीडियो पर भी क्लिक कर देते, मतलब आपका वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तब भी एड प्ले होगा। फ्रेंड्स, तब तो कोई आपका वीडियो लास्ट में एड्स वीडियो ख़त्म होने के बाद तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना चाहिए। बट फ्रेंड्स, ये एड ब्रेक का जो ऑप्शन है ये तभी आएगा जब आप 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, आप हमेशा 10 मिनट से ऊपर के ही वीडियोज़ बनाने की कोशिश कीजिए और बेस्ट क्वालिटी की वीडियोज़ बनाइए और आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा, आपको उसकी रेवेन्यू भी अच्छी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग्स हैं आपकी सेव हो गई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपको उसी समय दिखा देगा जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन का होगा, तो बस इसको सेव कर दीजिए और बस इतना ही। फिर इसके बाद कोई भी आपकी इस वीडियो को प्ले करेगा तो उसका उस पर मल्टीपल एड्स शो होंगी, थोड़े थोड़े टाइम पे एड्स प्ले होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मत रखिए कि आपके व्यूवर्स को गलत लगे या फिर बुरा लगे, इसलिए बार बार एड्स शो ना हो, इसलिए कम से कम एड्स रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।